राज्य स्तरीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता कोटा में शुरू हुई। जिला फुटबॉल संघ बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष हरीश कलाल ने बताया कि बांसवाड़ा की टीम पहली बार इन टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है एवं जिस प्रकार से इस टीम ने यहां पर मेहनत करके प्रैक्टिस करी है उस हिसाब से टूर्नामेंट में वे विजय हासिल जरूर करेंगी। फीफा वर्ल्ड कप की धूम रविवार रात को ही फाइनल मुकाबले के साथ थमी, तो अगले ही दिन बांसवाड़ा के सब जूनियर फुटबॉलर बांसवाड़ा का नाम रोशन करने के लिए कोटा के लिए रवाना हुए। कोटा में 16 से 20 जुलाई तक राज्य स्तरीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। बांसवाड़ा के फुटबॉल से जुड़े लोगों के लिए बात किसी उपलब्धि से कम नहीं है कि इस स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहली बार हमारी टीम भी गई। अब से पहले तक जूनियर और सीनियर वर्ग में ही बांसवाड़ा टीम शामिल होती रही है, लेकिन अंडर 14 कैटेगरी में पहली बार टीम शामिल हो रही है। इस उपलब्धि का श्रेय करीब एक साल पहले गठित जिला फुटबॉल संघ के जिला अध्यक्ष हरीश कलाल और उनकी टीम को जाता है। इन सभी के प्रयासों से एक ही साल में इस कैटेगरी में जाने के लिए टीम तैयार हो गई और सोमवार को प्रदेश के 20 से अधिक जिलों के बीच अपना दमखम दिखाने के लिए रवाना भी हो गए। कलाल ने बताया कि इस मुकाबले के लिए टीम ने काफ़ी मेहनत की है, सुबह और शाम जमकर अभ्यास किया। उन्होंने बताया कि इन बच्चों के उत्साह को देखते हुए संघ की ओर से अगले साल बालिकाओं की टीम को भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। इसकी तैयारियां भी जल्द शुरू की जाएंगी। टीम को सोमवार को जिला संघ के कार्यालय से रवाना किया गया। इस अवसर पर संरक्षक निमेश मेहता, उपाध्यक्ष सीताराम वर्मा, कांतिलाल अहारी, अनिल शर्मा, कालू सिंह आदि मौजूद थे। सचिव ब्रजमोहन सोलंकी ने बताया कि टीम में भुवनेश्वर कुमार, चाहिल शाह, दीप नेमा, आशुतोष लबाना, श्रेयान सिंह, श्यामल दीक्षित, उमंग दोषी, सानिध्या मेहता, किरण चौबीसा, अथर्व चौधरी, वंश हेड़ा, देव सराफ, तुषार और महावीर सिंह, आशुतोष बारिश शामिल हैं। कोच सुकराय भी टीम के साथ गए हैं। ये DFA की तरफ से अंडर 14 की जो टूर्नामेंट्स हैं वो पहली बार बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से राज्य स्तरीय खेलने के लिए बच्चे यहाँ से रवाना हो रहे हैं और ये आज ये सुनहरा मौका जो हमको मिला है वो पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जो एक बांसवाड़ा के लिए वास्तव में गौरव की बात है और बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों में भी काफ़ी उत्साह यहाँ पर बना हुआ है। और पुनः मैं बच्चों को शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो बांसवाड़ा का नाम रोशन करके लौटें और हमारे साथ साथ ये पूरे बच्चे हैं, हमारे साथ साथ ये सचिव डिस्ट्रिक्ट के आप भी उपस्थित हैं, सबकी रिकॉर्डिंग भी उधर उधर भी घुमा देना है ना। हाँ, बोल रहा शुभकामनाएँ बच्चों। हाँ, मेरी शुभकामनाएँ और ये बांसवाड़ा का नाम रोशन करके आएंगे और राष्ट्रीय लेवल पे भी आगे पहुँचेंगे। ये हमारे टीम के कोच सुखराम जी, ये कुछ बताएं बच्चों के बारे में। जिला फुटबॉल संघ बांसवाड़ा की टीम आज स्टेट चैंपियनशिप फुटबॉल खेलने के लिए कोटा रवाना हो रही है और मैं टीम का कोच हूँ, ये लाइसेंस कोच और सभी यहाँ पे पेरेंट्स भी बच्चों को छोड़ने आए हैं और हमारी टीम अच्छा खेले, अच्छा परफॉर्मेंस करे और हम नेक्स्ट लेवल पे आगे जाए, यही चाहते हैं। कैसा लग रहा है आपके बच्चे खेलने जा रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बच्चे खेलने जा रहे हैं, कुछ सीख के आएंगे वहाँ से। फुटबॉल में वैसे भी है तो चैंपियन है ये यहाँ की टीम।